अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समी और आप देख रहे हैं सैम्स फूड डायरी। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो डोनट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान बनते हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, चिकन लेंगे हम 1/2 kg बोनलेस, आलू लेंगे हम 2 मीडियम साइज के, एक प्याज लेंगे मीडियम साइज की, शिमला मिर्च लेंगे हम मीडियम साइज की 1, 1/2 कप लेंगे हम चीज, अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद हो आप ज्यादा डाल दें, मिर्चे लेंगे हम 4 अदद, धनिया लेंगे हम 1 कप, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च लेंगे हम 1 चम्मच, ओरिगैनो लेंगे हम 1 चम्मच और ब्रेड के हम 3 स्लाइस लेंगे। सबसे पहले एक चॉपर लेंगे और उसमें हम चिकन को डाल देंगे। चिकन को डाल देंगे, इसके बाद हम लोग और स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेंगे। ठीक है, कुटी लाल मिर्च डाल दी है, जीरा पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है, ओरिगैनो डाला है, प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, अब इसमें सब्ज मिर्च डाल देंगे, ठीक है, और धनिया डाल देंगे। बस इनको अच्छे से हमने चॉप कर लेना है। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे, ये एक स्लाइस बड़ा रहेगा, इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो आलू इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम डबल रोटी को तोड़ के डाल देंगे। बहुत ही आसान बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो आप लोग इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये पसंद आएंगे। चले जी, सारी ब्रेड में डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से चॉप कर लूंगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल मज़े से रेडी हो गया है। अब रह गया चीज़, चीज़ को हमने इसमें ऐड करना है। अभी मैं डाल देती इसमें चीज़। अच्छा, चीज़ मैंने 1/2 कप डाला है, आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, ठीक है। ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो कम डालें। तो इसको डाल के इसको मैं मिक्स कर लेना अच्छे से। अच्छा जी, अब एक पाइपिंग बैग ले लें और इसमें हम ये सारा जो हमारा मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इस सारे मिक्सचर को 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो आप डोनट की शेप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। खुद बना के इसको डोनट की शेप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ईजी रहता है कि हम साथ इसको एक बटर पेपर मैंने लिया है और इस पर इस तरह सर्कल बना देंगे और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये जो मैंने फिंगर्स इसको उतारा है, यहाँ जिस तरह हमने क्रीम पफ बनाए थे तो पानी से इसको हटा लिया था ना, ऐसे ही इसने आपने उंगली पे पानी लगा के इसको कट कर लेना, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे बना लिए, इनको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। मैदा ले लिया है 1 कप, 2 अदद अंडे ले लिए हैं और ब्रेड क्रम्स भी मैंने 2 कप के बराबर ले लिए, ठीक है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। डोनट भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, 2 घंटे भी गुजर चुके हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हो गए। कि देखें, इनको सेट कर लें। उसके बाद सबसे पहले आप मैदे में लगा लें इसको, मैदे में अच्छे से रोल कर लें। उसके बाद आप इसको एग में लगा लें और लास्ट में हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान बनते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनको इवनिंग के लिए चाय के साथ दे सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने ऑयल गरम किया हुआ है और उसमें मैंने डाल दिए गरम गरम तेल में, ठीक है। अच्छा, आपने इसको मीडियम हीट पे कुक करना है, ठीक है, बनाना है। ये देखिए मैं डाल दूंगी सारे, बनाती गई और साथ साथ रखती गई। अच्छा, आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको फ्रीज करके रख दें, इस पर क्रम्स वगैरह लगा के सेट करके इसको फ्रीज कर दें। तो आप किसी भी टाइम बच्चों के लिए इसको निकालें, बनाएं, बड़े भी खाएं छोटे भी खाएं, तो इनको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। ये देखिए इनका कलर हो गया गोल्डन ब्राउन सा, तो बस अब इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने और डाल के वो भी सेट कर ली,
ये देखिए हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो एक मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। देखिए ये अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखिए आप अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। ठीक है, अब एक तोड़ के बताती हूँ और मैं टेस्ट भी करती हूँ कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है और हम तो इंजॉय करें, आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, sam.fooddiary मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।